नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, कौन सा कथन इसके बारे में सही है। पहला, नेहरू डिक्लेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो नेहरू जी ने कहा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब हम खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे विदाउट एनी फियर और फेवर। ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ इंडिया फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑगस्ट ऑफर था जो 1940 का था, उसने क्या कहा, उसने जो इंडिया की डिमांड थी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाना चाहते हैं उसे एक्सेप्ट कर लिया था, ये भी हो सकता है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स केम विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए थे, किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। नेहरू डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो ये जो स्टेटमेंट है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर एक इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन होगा तो वो यही कहेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए उसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब ब्रिटिशर्स का कोई भी दखलंदाजी हमें नहीं बर्दाश्त होगी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ऑगस्ट ऑफर 1940 एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ इंडिया फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये जो डिमांड थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हम इंडियंस डिमांड कर रहे थे, उसको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्या स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ आए थे। यस, वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ आए थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि दो डोमिनियंस बने यहाँ पर। वो चाहते थे कि इंडिया अलग बने, पाकिस्तान अलग बने, टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यहाँ पर बात करी गई थी। इस वजह से सर स्टेफर्ड क्रिप्स का जो यहाँ पर इनका पूरा प्रपोजल था उसको मुस्लिम लीग ने नकार दिया। इसी वजह से इसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को सेंड किया गया क्योंकि मुस्लिम लीग को भी सेटिस्फाई करना था, और इसने कहा कि देखिए दो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया है इसको तो मैं रिजेक्ट करता हूं, लेकिन एक मॉडिफाइड प्लान जो है उनके सामने रखा गया जिसने मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो यहां पे तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा।